हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एकदम बिहार की फेमस आलू बैंगन और टमाटर से बनने वाली एक चोखा की रेसिपी शेयर करूँगी। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से ये चोखा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चाकू की मदद से मैंने सबसे पहले बैंगन में इस तरह से कट लगा लिया है। तो दोस्तों, आगे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और उसके ऊपर एक स्टैंड को रख लिया है। अब हम बैंगन और टमाटर को पकाएंगे। तो सभी को मैं स्टैंड पे रख ले रही हूँ और इसे अच्छे से पकने देंगे। दोस्तों, सभी तरफ से पलटते हुए हमें इसे अच्छे से जो है पका लेना है। आग पे पकने पे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अलग और बहुत ही स्वादिष्ट आता है। तो दोस्तों, मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से पका लिया। चलिए अब इसे हम अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इन दोनों को ट्रांसफ़र कर लिया, साथ ही ली हूँ बॉयल किए हुए आलू। आगे के स्टेप में देखिए, मैंने पानी लिया है, यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है। ठंडे पानी को हाथों में इस तरह से लगाना है और इसके छिलके को हमें निकाल लेना है। दोस्तों, इसे ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना है। बैंगन आपका गर्म गर्म रहे तभी आप जो है हाथों में पानी लगाइए और इस तरह से छिलके को निकालते जाइए। तो इसी तरह से हमने जो है सभी के छिलके उतार लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम अलग बर्तन में रख लेते हैं और अब हम टमाटर के भी छिलके उतार लेते हैं। तो सेम प्रोसेस से हमें हाथों में थोड़ा पानी लगाना है और इस तरह से सभी छिलके को उतार लेना है। तो दोस्तों, मैंने टमाटर के भी छिलके को उतार लिया है। चलिए अब इसे भी हम अलग बर्तन में रख लेते हैं। तो दोस्तों, आगे के स्टेप में अब हम एक चाकू लेंगे और चाकू की मदद से बैंगन का जो ये सर का हिस्सा है उसे काट लेंगे। तो दोस्तों, आगे हम आलूओं को मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मैशर लिया है और मैशर की मदद से हम सभी आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो दोस्तों, सभी आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आगे मैंने एक चाकू लिया है और चाकू की मदद से टमाटर का जो ये सर का हिस्सा है उसे हम काट कर अलग कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों टमाटर के सर के हिस्से को काट कर अलग कर लेना है। और अब इसे हम मैश करेंगे। तो इस तरह से देखिए, चम्मच की मदद से हम इसे मैश करने का प्रयास कर रहे हैं और इसे इसी तरह से अच्छे से मैश करते जाएंगे। तो सभी को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए मैश करते जाना है। तो दोस्तों, मैंने मैशर ले लिया है और मैशर की मदद से मैं इसे अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से मैश करने के बाद मैंने इसमें सबसे पहले ऐड किया बारीक कटे हुए हरे मिर्च, साथ ही इसमें ऐड किया बारीक कटे हुए लहसुन और अब इसमें मैं मिला लूंगी धनिया पत्ता को। और आगे अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लें। साथ ही इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें काला नमक ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, आगे अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं सरसों तेल, इसे डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हूँ और ये तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आलू बैंगन टमाटर का चोखा बनाना कितना आसान है, तो आप इस आसान रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ऐसी ही ईजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक के चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।